Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. डायरेक्टर रमेश सिप्पी को फिल्म शोले हिंदी सिनेमा की कल्ट मूवीज में शुमार है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन स्टारर इस फिल्म ने अपने हर किरदार को अमर कर दिया। फिल्म में जय के किरदार में अमिताभ और बीरू के रोल में धर्मेंद्र ने दोस्ती की मिसाल पेश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में अमिताभ को कास्ट किए जाने के पीछे धर्मेंद्र का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात का जिक्र खुद अमिताभ ने एक अवार्ड शो के दौरान किया था। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म शोले को याद करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है। सालों पहले आईफा अवार्ड शो के दौरान जब अमिताभ अवार्ड लेने मंच पर पहुंचे तो उन्होंने शोले फिल्म में अपनी कास्टिंग को लेकर धर्मेंद्र का शुक्रिया अदा किया था। अमिताभ ने कहा, धर्म जी की बहुत अच्छी और दिल को छू देने वाला गुण यह है कि वो एक बेहद शानदार दोस्त और इंसान है जिनसे आपकी मुलाकात हो। मैं हम दोनों का एक गहरा राज आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अगर धर्म जी नहीं होते तो शायद ही मैं शोले में उनके साथ काम कर पाता। उन्होंने ही मेरा नाम शोले के लिए रिकमेंड किया था और उन्हीं की बार बार कहने की वजह से रमेश सिप्पी जी ने मुझे फिल्म में ले लिया। मैं आपका हमेशा के लिए आभारी हूं धर्म। फिल्म में अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी ने जो कमाल किया है वो सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। रियल लाइफ में दोस्ती की यह जोड़ी आज रियल लाइफ में कई लोगों के लिए उदाहरण है। वहीं फिल्म में हेमा मालिनी ने बसंती की बेहतरीन किरदार निभाया था, पर इस किरदार को जया बच्चन निभाना चाहती थी। कॉफी विद करण शो में जया ने इसका खुलासा किया था। उन्होंने बसंती के किरदार को करने के इंटरेस्ट के पीछे धर्मेंद्र को अपनी वजह बताई थी। 2007 में कॉफी विद करण शो में जया और हेमा मालिनी ने शिरकत की थी। इस दौरान जया ने कहा था, मुझे बसंती का रोल करना था क्योंकि मैं धर्मेंद्र से प्यार करती थी, वे ग्रीक गॉड की तरह दिखते थे। जया का ये कहना सच भी है। धर्मेंद्र की पुराने फिल्मों और तस्वीरों को देखें तो उन्हें देखकर आप भी तारीफ करने से नहीं रुक पाएंगे। 46 साल पहले आई अब फिल्म का हर सीन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। साथ ही फिल्म की दोनों जोड़ियाँ आज रियल लाइफ पार्टनर्स भी हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।